Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hello, welcome to your YouTube channel, Karthik here. आज हम भाविन भाई की शॉप पे आए हुए A4 एक्वेरियम में और आज का टॉपिक है कि विंटर में फिश की केयर कैसे करें। हेलो भाई। हेलो भाई, हाउ आर यू? फाइन। आज आप हमें विंटर में फिश की केयर कैसे करेंगे वो बताने वाले हैं। हाँ, तो पहला मेरा टॉपिक है कि विंटर में वाटर चेंज का टाइम क्या होता है। जनरली विंटर का वाटर चेंजिंग का टाइम दोपहर का रखना चाहिए, आइडियली वो सही रहता है फिश के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो पानी होता है वो ज्यादा ठंडा रहता है, नाइट में भी वही सेम प्रॉब्लम रहता है। दोपहर का टाइम का जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर सडन होता है, तो फिश को डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड नहीं होता है पानी के लिए, तो बेटर है कि आप दोपहर के टाइम पे ही पानी चेंज कीजिए। और कौन सा वाटर यूज करना चाहिए, कौन सा पानी यूज? हाँ, जनरली मेरे हिसाब से आप टैप वाटर यूज करो सबसे बेस्ट रहता है, यानी स्टोरेज पानी। स्टोरेज पानी भी आप जितना स्टोरेज पानी होगा वो फिश के लिए सही रहता है। और अभी सर्दी का मौसम है तो फिश ज्यादा मरती है या क्या है? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फिश की केयर लेते हो, कौन से जो जरूरी है फिश के लिए। अभी जो फिलहाल हीटर की जरूरत रहती है, विंटर के अंदर कोई भी फिश हो वो उसके लिए हीटर बेस्ट रहता है, तो सर्दी के टाइम पे आपको हीटर डालना ही डालना है, वो आप टैंक के हिसाब से डाल सकते हो। ओके, तो अभी ये हीटर को कैसे सेट करेंगे, ये साइज के हिसाब से बदलता रहता होगा? हाँ, राइट, वो साइज के हिसाब से रहता है। आपका टैंक का जो फिश टैंक है उसका साइज कौन सा है उस हिसाब से आपको हीटर लेना रहता है। ओके, और हीटर में टेम्परेचर सेट कैसे करेंगे? हीटर का फिश के लिए नॉर्मली टेम्परेचर 28-30। गोल्ड फिश के लिए भी? हाँ, गोल्ड फिश के लिए भी। और एरोवाना जो रहता है उसके लिए? हाँ, नॉर्मल है, और 28-30 जो ये नॉर्मल टेम्परेचर है फिश के लिए, ज्यादा ठंडा भी नहीं है ज्यादा गर्म भी नहीं है, तो फिश के लिए आइडियली वो सही रहता है। 28-30 पे सेट करो आप, वो हीटर के अंदर इनबिल्ट ही रहता है, आपको सिर्फ एक बार सेट कर देना है, हीटर लगा देने का है। और मैंने सुना है कि सर्दी में ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाती है, तो एयर फ्लो भी उतना जरूरी है या नहीं है? मात्रा कम होती है जब भी आप हीटर यूज करते हो, हीटर जब यूज करते हो तो पानी थोड़ा सा वार्म आउट होता है, थोड़ा गर्म रहता है, उसके हिसाब से पानी के अंदर का ऑक्सीजन थोड़ा सा कम रहता है। उस टाइम पे आपको हीटर जब भी कोई भी टैंक के अंदर आप सेट करो तो आप एक्स्ट्रा जो एयर पंप डालते हैं वो डाल सकते हो। दूसरा चीज कि आपको कोई पावर फिल्टर लगाया हुआ है उसमें अगर आपने कंट्रोलर यूज किया हो, जो फ्लो डाइवर्जन के लिए कुछ भी किया हो वो निकाल दो, जितना ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा और फिश का प्रॉपर बैलेंस भी रहेगा, पानी का टेम्परेचर भी सेट रहेगा हीटर के हिसाब से, और दोनों काम आपका सही रहेगा। यानी कि हीटर जब भी डालो तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे टैंक के अंदर। मतलब कुछ एयर फ्लो सेट कर सकते हैं ऐसा कुछ आता है? हाँ, एयर पंप यूज कर सकते हो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए, जो ज्यादा पानी को बैलेंस बनाता है, वो फिल्ट्रेशन के लिए नहीं है। और अगर पावर फिल्टर यूज करते हो यानी वो 2-in-1 रहता है, तो आप उस टाइम पे जो पीछे के साइड पे कंट्रोलर दिया हुआ था वो निकाल दो, तो बेटर रहेगा फिश के लिए। और आप तो प्लांटेड एक्वेरियम में मास्टर है, ज्यादातर लोग आपके यहाँ पर प्लांटेड एक्वेरियम लेने के लिए आते हैं दूर दूर से, तो आप प्लांटेड एक्वेरियम में भी हीटर सजेस्ट करते हो या उसमें नहीं करना? हाँ, प्लांटेशन के अंदर भी हीटर डालना है अभी, क्योंकि अभी ज्यादा तो पानी ठंडा हो जाता है, प्लांट के लिए ठंडा पानी सही रहता है लेकिन फिश के लिए सही नहीं रहता है। अगर आपने कुछ गप्पी फिश डाली है, मोली फिश डाली है, यानी कोई अदर टेट्रास भी डाली है, उसको माउथ फंगस होने का चांसेस ज्यादा रहता है, उस टाइम पे आप हीटर को ज्यादा गर्म नहीं रखना है, 26-28 पे ही सेट करना है, क्योंकि ज्यादा हीट रखोगे तो प्लांटेशन का सारा प्लांट जल जाएगा आपका, इसलिए बेटर है 28-26 के बीच में ही आप हीटर का टेम्परेचर प्लांटेशन के अंदर रखते हो। हम पूरा एक वीडियो उसके लिए अलग से बनाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे प्लांटेशन कैसे सेट करना है, उसके अंदर हीटर कैसे सेट करते हैं। और कौन कौन सी फिश को मंथली हीटर की जरूरत हो रही थी? विंटर के अंदर ज्यादातर गोल्ड फिश को ज्यादातर प्रॉब्लम रहता है हीटर का, वो ज्यादातर सेंसिटिव फिश रहती है,
तो गोल्डफिश के अंदर जल्द फटाक से वो उसका इश्यू आता है ठंडा पानी का वेरिएशन, वो ज्यादातर सह नहीं पाती है, तो गोल्डफिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हीटर का रहता है। चिकलेट वेराइटीज है आपके पास, पैरोट्स है, ओस्कार है, फ्लावर ऑन है, वो सब चीज के अंदर ज्यादातर जरूरी नहीं है, पर अगर आप फिश में हीटर डाल देते हो तो फिश का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो फिश का कलर शाइनिंग पूरा चेंज ही लगेगा इस टाइम पे। फ्लावर ऑन को आप जनरली हीटर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आप डालते हो तो आप उसका अलग से रिजल्ट देख सकते हो बिना हीटर का भी, और हीटर डालने के बाद आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। फिश का खाना कम हो जाता है विंटर के अंदर, ज्यादा पानी ठंडा होता है तो वेस्ट भी ज्यादा होता है, पानी भी ज्यादा गंदा रहता है। अगर आपने हीटर डाला हुआ है तो नॉर्मल टेम्परेचर में फिश नॉर्मली फिलिंग करेगी, टोटल फिल करेगी तो प्रॉपर खाना खाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वन फिश इन्फेक्टेड है टैंक के अंदर तो वो सब फिश को इन्फेक्टेड कर सकती है। सो बेटर है कि आप हीटर यूज कर लो विंटर के टाइम पे, अपने टैंक के हिसाब से वो हीटर लो, शॉपकीपर से पूछ लो कि हमारा टैंक का साइज ये है, उस हिसाब से मेरे को कौन सा टैंक हीटर सजेस्ट कर रहा है वो करेगी, वो आप ले सकते हो। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि भाविक भाई है वो फ्लावर ऑन के लिए भी जाने जाते हैं, इनके पास बहुत तरह तरह के फ्लावर ऑन भी है, वो भी आप यहाँ पर विजिट करके देख सकते हो, और एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, राइट? फ्लावर ऑन पे हम अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे, कौन से ब्रीड है, कौन से ब्रीड के अंदर क्या फूड आपको खिलाना पड़ता है, और दूसरा चीज के लोकल फ्लावर ऑन क्या है, इम्पोर्टेड फ्लावर ऑन क्या है, वो सब आप हम अलग से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ दिखाएंगे अलग वीडियो। और आपने जो विंटर में मेडिसिन की भी बात की है तो कौन सी मेडिसिन जनरल पर्पस के लिए यूज की जाती है? जनरल पर्पस के लिए रेडोल कंपनी का आता है एक मेडिसिन आता है, हम वो आपको दिखाएंगे। रेडोल कंपनी का आता है, येलो कलर का मेडिसिन रहेगा ये, हाँ रेडोल का है, नॉर्मल जनरल पर्पस है। अगर फिश ज्यादा इन्फेक्टेड है, अगर आपकी फिश ज्यादा इन्फेक्टेड है तो दूसरा एक भी मेडिसिन आता है हमारे पास है, ये मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। कोई भी फिश हो मेडिसिन आपको यूज करना है तो सबसे पहले जो अगर आपकी फिश ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो टैंक के अंदर के सारे क्रेवल्स निकाल दीजिए आप, उसके बाद जो फिल्टर का अंदर का जो कॉटन रहता है, रेक्सिन रहता है, वो भी निकाल दीजिए ताकि वो फिश, ये जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं उसका पूरा रिजल्ट मिल सके। अगर आपने कॉटन के साथ मेडिसिन डालते हो, फिल्टर के अंदर कॉटन है और मेडिसिन डालते हो तो पूरा खींच लेता है फिल्टर, तो जितना मेडिसिन का असर फास्ट होना चाहिए उतना नहीं रहता है, और स्टोन के अंदर ज्यादातर इन्फेक्शन रहता है, फिश की जो प्रोटीन वगैरह रहती है वो स्टोन के अंदर रहता है, उस हिसाब से फिश को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। उस टाइम पे अगर फिश इन्फेक्टेड है विंटर के टाइम पे तो ग्रेवल्स निकाल दीजिए, अंदर फिल्टर का जो कॉटन है वो निकाल दीजिए, एक दोनों मेडिसिन डाल सकते हो। उसके बाद आपको ट्वाइसली टैंक का पानी चेंज करना है, 20% पानी चेंज कर दीजिए ट्वाइसली, उसके बाद मेडिसिन डाल दीजिए, ऐसे हफ्ते में 3 बार करोगे तो फिश आपका नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। तो ये जो आपने ज्यादा विंटर के अंदर कुई के अंदर जो बीमारी पाई जाती है वो स्लीपिंग डिसीज बीमारी है। स्लीपिंग डिसीज के अंदर क्या होता है कि कोई भी फिश हो, यानी कोई फिश में ज्यादातर ये प्रॉब्लम रहती है, कोई फिश ज्यादातर सो जाती है टैंक के अंदर, सिर्फ खाना खाने के लिए ऊपर आती है, कंडीशन नॉर्मल नहीं रहती, अब नॉर्मल हो जाती है। उस टाइम पे ये मैंने आपको बताया ग्रेवल्स निकाल दीजिए, कॉटन निकाल दीजिए, उसके बाद ये मेडिसिन आती है, ये मेडिसिन आप यूज करो, स्लीपिंग डिसीज के लिए खास है, कुई के लिए जो पूरा एक के साथ पूरे टैंक की सारी फिश को मार सकता है, स्लीपिंग डिसीज इतना वो रिस्की है एक पूरा, इसलिए बेटर है कि आप ये मेडिसिन ले परचेज कर लीजिए। उसके बाद ये उसका प्राइस रहेगा 200 रुपए का, ये बोतल आता है, आप उसको 2 साल तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी आपके पास हीटर में कौन कौन से अवेलेबल है और कौन सी साइज के लिए हम कौन सा हीटर यूज करेंगे? हाँ, बता सकते हैं। अगर आपके पास फिश टैंक है, फिश टैंक का साइज आपका 1 फीट से 1.25 फीट तक है तो आप 50 वोल्ट का हीटर यूज कर सकते हो, 75 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो हीटर, वो टैंक के लिए सही रहता है। यानी मेरे पास अभी ये जो हीटर पड़ा है, ये जो हीटर है वो 50 वोल्ट का है, RS कंपनी का है, स्टैंडर्ड कंपनी है, तो उसका हीटर आप यूज कर सकते हो, हर जगह पे नॉर्मली पेट शॉप पे मिल जाएगा, इजी है, ऐसा नहीं है कि उसकी साइज थोड़ी सी छोटी रहेगी। और दूसरा चीज है कि टैंक के हिसाब से हीटर सेट करना रहता है, तो बड़ा हीटर डालोगे टैंक के अंदर तो टिक नहीं पाएगा। दूसरा चीज मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ कि हीटर कैसे यूज करना डालना है, वरना ये ब्लास्ट भी हो सकता है नॉर्मली, अगर आप थोड़ा सी केयर नहीं करते हो हीटर का। तो इसके अंदर साथ ये 2 वैक्यूम डाला हुआ है, कंपनी ने 2 वैक्यूम इजीली दिया है, इसको आपको ग्लास के साथ लगा देना है।
हीटर कहीं भी कोने पे लगा सकते हो, ये देख सकते हो आप, हीटर इस तरह चिपक जाएगा, वैक्यूम के साथ दिया हुआ है, जब भी निकालना है तो नॉर्मल निकल जाएगा। उस पे साइड ये जो नोजल है उस पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, टेम्परेचर का डिजिट यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से घुमाओगे आप तो हीटर का टेम्परेचर अलग अलग दिखाएगा आपको, उसके अंदर से आपको 28 पे सेट करना है, मैंने अभी ये 28 पे सेट किया हुआ है। सेट करने के बाद आपको हीटर लगाना है, आप क्रॉस भी लगा सकते हो, एक्वेरियम के अंदर इस तरह भी लगा सकते हो, डिस्प्ले की लाइट जो हीटर की है आपको आपके साइड पे सामने की साइड आए इस तरह लगनी है, आपको इस तरह पता चलेगा हीटर कट ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब जो सेट किया हुआ है वो सेट होने के बाद वो ऑटो कट ऑफ हो जाता है। ऑटो कट ऑफ है, आपको कोई चालू बंद करने की जरूरत नहीं है, टोटली ऑटो कट ऑफ है। दूसरा चीज, आप ट्रेड भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हीटर टोटली पानी के अंदर रहना चाहिए। अगर आपको टैंक वॉश करना है तो आप 15-20 मिनट पहले हीटर को बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ग्लास होता है, हीट होता है, आप डायरेक्टली बाहर काट निकाल दोगे हीटर को तो प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लास फूटने का चांस है, तो 15-20 मिनट पहले हीटर आप बंद कर दीजिए, उसके बाद हीटर निकाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिश को भी और आपके हीटर को भी। और इससे बड़ा टैंक, हाँ, इसके बड़ा टैंक हो तो आप 100 वोल्ट का हीटर यूज कर सकते हो, यानी 8 फीट तक 100 वोल्ट का हीटर यूज कर सकते हो, उसमें साइज यही रहता है, थोड़ा सा लिटल बिट हाई रहता है साइज। उसके बाद हमारे पास आता है, देखो ये 100 वोल्ट का हीटर है, उसके बाद ये 200 वोल्ट का हीटर है, अगर 3 फीट का रहा तो 200 वोल्ट का हीटर यूज कर सकते हैं, इनफ है 3 फीट के लिए 100 वोल्ट का, यानी 3 फीट के लिए आपको है ना 200 वोल्ट या 300 वोल्ट डालना रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर आप छोटा भी हीटर डाल दे सकते हो 3 फीट के लिए, ऐसा कुछ है नहीं, बट वो पानी को हीट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बेटर है कि आप 200 वोल्ट या 300 वोल्ट का हीटर डालो, तो ये फटाक से पानी होम आउट भी कर देगा, गर्म भी कर देगा, दूसरा चीज की कट ऑफ भी फास्ट हो जाएगा। अगर आपने एक हीटर डाला हुआ है, छोटा हीटर डाला हुआ, तो टाइम ज्यादा लगाएगा पानी गर्म करने के लिए, तो बेटर है कि आप बड़ी साइज का हीटर डाल दो, 2.5 फीट से 3 फीट तक आप ये 300 वाट का हीटर डालो, उसके बाद आप 500 वाट का हीटर डाल सकते हो। दूसरा हीटर हमारे पास एक वो भी है, स्टील हीटर बोलते हैं, स्टील हीटर की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, RS कंपनी का ही है, तो ब्लास्ट नहीं होता, ग्लास के थोड़ा सा केयर करना पड़ता है लिटल बिट, पर स्टील हीटर में वो दिक्कत, मतलब गर्म होता है तो वो ग्लास ब्लास्ट हो जाता है कभी नहीं, उसके लिए ना जब भी आप ठंडे पानी के अंदर डायरेक्टली डाल सकते हो, गर्म पानी में से हीटर निकाल के ठंडे पानी में डालते हैं तो वो ग्लास हीट होता है, बाकी एक्वेरियम के अंदर वो ब्लास्ट नहीं होता है, अगर पानी के बाहर हीटर चला तो प्रॉब्लम रहेगी, तो प्रॉब्लम होगा, हाँ, स्टील हीटर में वो दिक्कत नहीं। तो व्यूअर्स खास ध्यान रखे हीटर डालते टाइम कि वो पूरा पानी के अंदर होना चाहिए, और जब आप हीटर बंद करते हो तो फटाक से बाहर मत निकालिए, और आपके पास अगर दो टैंक है तो हीटर चेंज करने के लिए जल्दबाजी मत करें, नहीं तो ये आपके फिश टैंक में ही ब्लास्ट हो सकता है और आपके फिश को भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, और मे बी आप अंदर हाथ डालोगे तो आपको भी शॉक लग सकता है क्या उसमें? हाँ, करंट यानी हीटर ब्लास्ट हुआ है तो हो सकता है, बाकी विदाउट होगा या अपनी ब्लास्ट नहीं हुआ हीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, चालू हीटर में अंदर हाथ डाल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा का आपका बड़ा टैंक हो, 3 फीट से बड़ा टैंक होता है आपके पास, तो आप 500 वाट का हीटर डालो, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उस टाइम पे स्टील हीटर ही डालिए, स्टील हीटर सबसे बेस्ट रहता है बड़े टैंक के लिए, छोटी साइज में भी अवेलेबल रहता है, पर नॉर्मली स्टील हीटर की इतनी जरूरत नहीं, पर बड़े टैंक के लिए सबसे सही रहता है स्टील हीटर, APRS कंपनी का ही है, 500 वाट का हीटर है, और इसमें कुछ टेम्परेचर के लिए अलग से ऊपर दिया हुआ, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ऊपर ही पूरा डिजिट सिस्टम दिया हुआ है, ऊपर ही पूरा डिजिटल सिस्टम दिया, हाँ, वहां से आप सेट कर सकते हो अपना टैंक के हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एक थोड़ा सा दिख नहीं रहा, थोड़ा पास लाइए, थोड़ी सी रोशनी ज्यादा आ रही, पर आप यहाँ पर शॉप पे भी आके देख सकते हो, और ये मैंने सेट भी कर दिया, अभी ये क्लियर है कि ऐसे ही इसके ऊपर जो है टेम्परेचर के काउंट्स लिखे हुए हैं और आप वैसे सेट कर सकते हो। दूसरा चीज हमारे पास एक भी है कि आपका टेम्परेचर हीटर है, अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है यानी ऑटो कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो उसकी जो डिस्प्ले लाइट है वो कंटिन्यू चली रही है, वो कट ऑफ नहीं होगा और पानी भी गर्म नहीं होगा, उस टाइम पे आपको हीटर चेंज कर देना है,
वैसे जनरली कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर आपका हीटर ज्यादा पुराना हो सकता है, हो जाता है, उसके बाद कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है, जनरली होता नहीं है, पर होता है तो आपको हीटर निकाल के दूसरा हीटर डाल देना। दूसरा हमारे पास ये टेम्परेचर सेट करें, टेम्परेचर मीटर, ये आपको एग्जैक्टली बता देगा कि पानी के अंदर का टेम्परेचर क्या है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर वो चीज अलग है, एक्वेरियम का अंदर का टेम्परेचर वो चीज अलग है। तो एक्यूरेट बताने के लिए आप ये भी डाल सकते हो, ये 60 रुपीज का पड़ेगा आपको। उसमें दूसरा भी आता है डिजिटल टेम्परेचर मीटर, वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक में वो भी आ जाएगा। और जो हीटर है वो अगर लाइट चालू की चालू रहती है, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या ऐसा कुछ आता है अभी तक, ऐसा कोई केसेस नहीं? जनरली आरएस कंपनी में और सोबो कंपनी में प्रॉब्लम जनरली होता नहीं है, ये स्टैंडर्ड चीज है, वो तो वो दिक्कत जनरली कभी कस्टमर को आई नहीं अब तक। तो बेस्ट है कि आप आरएस या सोबो का हीटर यूज करो, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। थैंक यू भाविन भाई कि आपने हमें विंटर में कैसे फिश की केयर करनी चाहिए वो बताया। और इसके बावजूद भी किसी को अगर आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना है ये फिश के रिलेटेड, तो वो कौन से नंबर पे आपको पूछ सकता है और यहाँ पर आ सकता है? ये हमारा जो पर्सनल शॉप का नंबर है 7600768641, उस पे कॉल सकते हो। हमारी दूसरी ब्रांच का नंबर है 8860466657, दोनों पे कॉल कर सकते हो। यही दोनों नंबर है व्हाट्सएप के लिए भी, वो हम आगे लिंक में भी दिखा देंगे, पीछे डाल देंगे, आप उसमें से डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। जो भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे भी हम बता देंगे, या पर्सनली आप शॉप पे विजिट करके भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर आप व्यूवर्स को बता दें कि ये रात को तो सोते हैं तो उनको भी आराम की जरूरत है, तो प्लीज रात को जब आप फ्री पड़ते हो तभी कॉन्टेक्ट मत कीजिए। आप 9 to 9 में कभी भी कॉल सकते हैं, 9 के अलावा आप थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, फोन का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो बेटर है आप 9 to 9 में कभी भी कॉल कर सकते हैं। और प्लांटेड एक्वेरियम का भी वीडियो हम शॉर्टली ला रहे हैं, और पॉकेट फ्रेंडली एक्वेरियम भी, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन लाइक बटन इफ यू लाइक। श्योर आप ये दोनों वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। और ये प्लांटेशन एक्वेरियम जो हम बनाएंगे उसमें क्या है कि टोटली आपको ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा और नॉर्मली आप सेटअप कर सकते हो। सब लोग बोलते हैं कि प्लांटेशन एक्वेरियम हाई कॉस्टली रहता है इसलिए सब लोग नहीं बनाते, पर हम उसको थोड़ा सा लो मेंटेनेंस बनाएंगे, तो आपको इजीली बना पाओगे घर पे भी इस तरह हम बनाएंगे। तो प्लीज आप ये वीडियो भी जरूर देख लीजिए। थैंक यू, वेलकम।